गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी मैम नीतू शुक्ला, कक्षा 9 के बच्चों के लिए गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको हमने पढ़ाया था, दूसरा पाठ गृह विज्ञान का दूसरा पाठ, वह पाठ था गृह व्यवस्था, पाठ 2 गृह व्यवस्था। तो इस पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ना था गृह व्यवस्था का अर्थ। जैसा कि आपको हमने बताया, गृह व्यवस्था का अर्थ होता है बच्चों नियोजन, योजना पूर्णबद्ध तरीके से परिवार के, घर के सभी कार्यों को उचित ढंग से करना। अग्रिक का अर्थ होता है घर, यानी घर के सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना ही गृह व्यवस्था का अर्थ होता है। और उसके बाद आपको हमने बताया था गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। तो गृह व्यवस्था की परिभाषा बच्चों निखिल डार्सी ने बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत की है। वह यह है कि गृह व्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक साधनों को नियंत्रण, नियोजन और मूल्यांकन तरीकों से प्रस्तुत करना। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि गृह व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों, गृह व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वह बहुत ही सरल और सीधा है। उसका यह अर्थ हुआ बच्चों कि गृह व्यवस्था जो परिवार के अनावश्यक अनिवार्य दशाओं को संतुष्टि कराता है, और दूसरा समय का सदुपयोग कराता है, तीसरा आय व्यय में बचत करना सिखाता है, और पांचवा जो है वह विश्राम और मनोरंजन। और इस तरह से गृह व्यवस्था के साधन कौन कौन से हैं, तो गृह व्यवस्था के साधन को भी हमने आपको बताया था। गृह व्यवस्था के साधन जो है वो 3 साधन हैं। गृह व्यवस्था के 3 साधन, पहला भौतिक साधन, दूसरा मानवीय साधन, और तीसरा सार्वजनिक साधन। तो बच्चों, ये गृह व्यवस्था के 3 साधन हैं। और इसके बाद आपको समझना है कि गृह व्यवस्था का महत्व क्या है। तो गृह व्यवस्था का बच्चों परिवार में विशेष महत्व होता है। यह व्यवस्था के अनुसार ही आप परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति कर सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती हैं वह असीमित होती हैं। तो ऐसे में आप सबकी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक व्यवस्थित तरीके से नियम बनाने होंगे, जिससे आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और उनकी आवश्यकताओं को अगर हम समय अनुसार बजट के अंदर अगर हम पूरा कर लेते हैं, तो पारिवारिक वातावरण जो होता है बच्चों वह बहुत ही खुशनुमा होता है। क्योंकि परिवार के अगर किसी सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो परिवार में कलह मचती है, दुखी रहते हैं लोग, कलेश होता है। तो इस तरह से परिवार का वातावरण सही नहीं रहता है। इसके लिए आपको पारिवारिक व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाने में ये सहायक होता है। गृह व्यवस्था का जो महत्व है वह रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा बनाने में काफ़ी सहायक होता है। जैसे कि परिवार में बहुत सारे साधन होते हैं, उन साधनों का उपयोग करके
हम अपने परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं और परिवार के आय व्यय में नियोजन भी कर सकते हैं। हमारी जितनी आय है उसी के अनुसार हम व्यय करें और हमारा जो व्यय होना चाहिए वह बचत के अनुसार ही होना चाहिए। इससे परिवार के सभी सदस्यों की जो भविष्य की जो समस्या रहती है, चिंता रहती है, वह दूर हो जाती है और पारिवारिक वातावरण को सुखी बनाता है। ये परिवार के वातावरण को सुखी बनाता है और बच्चों के भविष्य की को भी उज्जवल बनाता है। जब परिवार में शांति का माहौल रहेगा तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाई लिखाने में मन लगेगा और उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी, वो शरीर से भी हष्ट पुष्ट रहेंगे और इस तरह से वो विकास की ओर प्रगति करेंगे और घर के सभी सदस्य खुश रहेंगे। तो गृह व्यवस्था का विशेष महत्व होता है इसी तरह से, और इसका लाभ उठाकर हर गृहिणी जो है वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकती है। तो बच्चों, आज इस चैप्टर में आपने पढ़ लिया गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था की परिभाषा, गृह व्यवस्था का क्या उद्देश्य हुआ और गृह व्यवस्था के साधन कितने हैं, गृह व्यवस्था के महत्व क्या होता है। इसके बाद आपको हम इसका रिटर्न वर्क जो है अपलोड कर देंगे और आप कॉपी खरीद लीजिए, उसी में आप पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।